नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शुक्ला की अध्यक्षता में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के इंचार्ज अरुण कुमार मल्होत्रा भी मौजूद रहे। अरुण कुमार मल्होत्रा ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर से पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचेगा। पंजाब के ब्यूरो हेड रणजीत ने भी वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एंटी करप्शन, जैसा कि हम नाम सुनते ही उन भ्रष्टाचारियों के कान खड़े हो जाते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहने के बावजूद भी आज भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। और आज हमारे साथ नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ प्रभारी अरुण कुमार मल्होत्रा जी हैं। और मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जो खास तौर पर भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा और कई दर्शकों ने हमें लिख करके भी भेजा है कि इससे संबंधित हमें जानकारी चाहिए और खास तौर पर आज मल्होत्रा जी साथ हैं। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत थैंक यू जी। सबसे पहला मेरा सवाल सर, एंटी करप्शन नाम सुनते ही सबका ध्यान उस तरफ जाता है कि हाँ, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है, नई सरकार बनती है चाहे पंजाब में बनी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त देश कर देंगे, लेकिन आज भी अगर हमें पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी लाइट्स पर भी रोक ले तो हम 100-200 रुपए देकर निकल जाते हैं। तो कहां से आखिरकार नकेल कैसे डाली जाए? सर ऐसे है, मैं नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया इंचार्ज चंडीगढ़। सर ऐसे है, इसीलिए हम आज आपके साथ पास आए हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ये लोकतंत्र को ये जो करप्शन है ये कमजोर करती चली जा रही है और इसी से क्राइम क्रिएट हो रहा है, इसी से उग्रवाद क्रिएट हो रहा है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहां पर। और डिपार्टमेंट किसी में चले जाओ, हर आदमी कहता है जी मेरे से पैसे ले बिना काम नहीं करते और फाइलों को दबा लेते। आज उसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे नेशनल चेयरमैन जो एंटी करप्शन से है वो आज आ रहे हैं, कई लॉन्चिंग करनी है, क्योंकि पब्लिक को किसी न किसी ढंग से उनका कोई काम जो उनका ऑफिशियल वर्क होता है वो रुक ना पाए और सही ढंग से हो। मल्होत्रा जी, ज्यादातर देखा जाता है कि तहसील में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लोग जाते हैं वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ऐसी कोई रूपरेखा या ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई कि उस पर कहीं ना कहीं आप डेंट डाल? सर हमारे जो मेंबर हमने बनाए हैं, कोई अहदेदार बनाए हैं, वो उस पर निगाह रखेंगे। हमें कोई कंप्लेंट आती है, कोई कंप्लेंट देता है या हमें एफिडेविट देता है कि मेरे से पैसे लिए हैं, उसकी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ वकील साहब भी हैं जो खास तौर पर मुझे इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और इनका डेजिग्नेशन भी लीगल हेड के तौर पर ये इस एसोसिएशन के साथ है। तो मेरा सवाल लीगैलिटी से जुड़ा है कि बहुत बार ऐसा लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि हाँ, लीगल तरीके से एंटी करप्शन का कार्ड ले रहे हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सी ऐसी एसोसिएशंस बना दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वहां दुरुपयोग होता कानून? मैं यहाँ पे कानून के दुरुपयोग की बात नहीं करने आया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक जो भारत में बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, उससे रिलेटेड हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि हमारी जो एसोसिएशन बनी है वो निस्वार्थ भावना से काम करेगी ताकि हरेक आम इंसान की आवाज जो कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होता है, जहां उसको इन्वॉल्व किया जाता है, आवाज दब जाती है, उसको आगे लिया जाए और अगर उसे कोई भी कानूनी राय चाहिए या कोई उसकी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए तो हम उसको लीगल कार्रवाई करके हरेक काम को लीगल तरीके से करवा पाए। लेकिन आपको नहीं लगता साहब कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी, हर चीज मुझसे शुरू होती है? अगर मुझे कोई पुलिस वाला रोक ले तो सबसे पहले प्रयास मेरा यही होता है कि सर ले दे करके हम मैं निकल जाऊं। तो आपको नहीं लगता कि लोगों में जागरूकता लानी भी बहुत बड़ी बात? मैं ये संदेश आपके माध्यम से ये देना चाहूंगा कि हर आम आदमी अगर पहल करेगा, अगर वो सोचेगा कि मैंने बिना कोई करप्शन दिए, बिना कोई रिश्वत दिए अपना काम करना है, एक मोटो रख के चलेगा, तो आगे से मांगने वाले को भी शर्म फील होगी। क्या लगता है सिंह साहब कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी हो सकती है, भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे? मेरे ख्याल नाल तो सब तो पहला सानू ये है भी जो जुम्मेवार अफसर ने या जो भी बंदा है सरकारी अफसर जिदे हाथां च कलम दी ताकत है उन्हूं ये जगाया जाए भी हाँ भी भाई तेरी जुम्मेवारी है, ये अपने हक ना मंगो, तुसी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो।
सोसाइटी दे प्रति थोड़ियां की ड्यूटीज ने, जो उसी बंदे कलम रख के बह जाते भी हाँ जी आप करते हैं गल करते हैं। सिंह साहब अमूमन ये भी बात सामने निकल कर आती है कि आला अधिकारियों को मंथली जाती है, फिर आगे नेताजी का नाम जुड़ा होता है कि पैसा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी अधिकारी जो कुर्सी पर है वो ये कह करके अपना बचाव कर लेता है कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है सब, तो मुझे वहां भी खाना पूर्ति करनी है, तो कैसे ये जड़े कटेंगे? शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जमीर तो उन्हीं का जगाना पड़ेगा। पब्लिक क्या है, पब्लिक के हाथ में क्या पावर है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे चंडीगढ़ में कोई लोग आके प्रोसेशन करने शुरू कर देंगे? कोई नहीं निकलेगा घर से, निकलेगा तो वही जिस जो अफेक्टेड है, जिसके साथ बुरा हो रहा है तो दूसरों के लिए तो तमाशा हो रहा है, कोई नहीं हेल्प करेगा उसकी, तो जगाना तो उन अधिकारियों को ही पड़ेगा। घर चलते चलते सर कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को खास तौर पर, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार जो है हमारी रूटीन बन चुकी है, हमारी दिनचर्या में है, हमारे हर उस कार्यालय में है, हर स्थान पर है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हाउ वी कैन फेस? सर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि इवन आपने लास्ट टाइम सुना होगा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे वाले लेवल में नहीं रह गया, भ्रष्टाचार हर पहलू में, हर कदम पर, हर एस्पेक्ट में पहुंचा हुआ है, बट उसके लिए हमें बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम, मैंने जैसे पहले बोला, अगर हम हरेक बंदा ये सोच के आएगा कि मैंने बिना रिश्वत दिए अपना काम करवाना है चाहे मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसी इनिशिएटिव से हम काम करेंगे तो धीरे 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 एक रिवोल्ट पैदा होगा। सर जैसे आपने बात की सरकारी तंत्र में भी कई बंदे जिनको गलत फंसाया जाता है, अगर वो सोचेंगे भाई इस गलत फंसाने वाले बंदों के से दूर रहना है और जो भ्रष्ट बंदे हैं उनको भी हमने उजागर करना है, तो ये इक्वालिटी की बात है, गिव एंड टेक की बात है। अगर एक आम इंसान पहल करेगा तो मुझे लगता है कि आम इंसान की पहल के बाद सरकारी तंत्र के साथ योगदान देगा, तो ये इक्वेशन बनेगी, धीरे धीरे हम इक्वेशन बनाएंगे, और अगर तब भी किसी को ये जस्टिस नहीं मिल पाता तो हम उस भ्रष्टाचार में कोई स्लिप पाया जाता है उसकी सुनवाई नहीं हो पाती उसको उजागर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भी आप देखते रहे हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़।